हाँ जी नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, की हाल चाल, दिस इज इरवान बत्रा। स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल इरवान बत्रा पे। जिस हिसाब से गर्मी हो रही है ना, उस हिसाब से मन करता है कुछ ठंडा खाने का, कुछ मीठा खाने का। पंजाबी सिर्फ स्पाइसी फूड के नहीं शौकीन होते, पंजाबी मीठे के भी बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, सिर्फ बंगाली नहीं शौकीन होते। तो आज हम आए जी आई लव जलंधर में, आई लव डेजर्ट में, जहाँ के पैनकेक और वेफल डोनट वर्ल्ड वाइड मशहूर है। क्योंकि ये सब एक आउटलेट नहीं है, पूरा एक चेन है जिसके आपको अलग अलग जगह पे आउटलेट्स मिल जाएंगे। देखिए कितनी ज़बरदस्त ये प्लेस है, उतनी ही ज़बरदस्त यहाँ पे सीटिंग है, उतने ही ज़बरदस्त यहाँ पे मेन्यू है। तो अंदर चलते हैं और आपको सारा दिखाते हैं, चलिए हमारे साथ। मॉडल टाउन जलंधर में ये आउटलेट है आई लव डेजर्ट, और जितनी खूबसूरत ये दिखने में उतना स्वादिष्ट यहाँ का खाना है, उतना स्वादिष्ट यहाँ पे डेजर्ट है। ये प्रॉपर बैठने के लिए यहाँ पे किटी हॉल है, आप पार्टी कर सकते हो, छोटी मोटी अपनी फैमिली के साथ आ सकते हो, मी टाइम पे आ सकते हो, अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कह सकते हो। और सबसे खूबसूरत इसकी बात यह है कि इतनी कम स्पेस में इसको जिस हिसाब से बनाया गया, वो एक अपने आप में ही बहुत ज़्यादा वाओ करने वाली चीज़ है। Bengali he talk about in the starting of this video is me. So अब आपको दिखाते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे ये samples रखे हुए हैं, ये freshly prepared करते हैं ये बस showcase के लिए। Waffles हैं, look at this beautiful pancakes, beautiful Greek donuts, and जो इनका ये 6+6 offer है, ये काफ़ी unique है। यहाँ पे 6 chocolate + 6 vanilla, उस flavor में आपको brownie overload होता है आपके साथ। बहुत ही सुंदर और बहुत ही यूनिक है। और अब कुछ दिनों के थोड़ी देर के बाद अब आपको यहाँ पर फूड टेस्ट करके बताएंगे कि इनका फूड कितना यूनिक है, और हम अपनी ऑनेस्ट रेटिंग भी देंगे। सो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। सो गाइस, आई लव डेजर्ट 24 आवर्स अवेलेबल है ऑर्डर के लिए। आप इन्हें स्विगी और जोमेटो पर भी ऑर्डर कर सकते हैं, और आप चाहें अगर यहाँ पे आसपास रहते हैं जलंधर मॉडल टाउन में, तो आप 24 घंटे में कभी भी आ सकते हैं, जब भी आपका मन करे डेजर्ट खाने का। आजकल गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, और इस गर्मी में कुछ डेजर्ट्स मिल जाए तो क्या बात है। पहले गया चॉको पैनकेक के ऊपर चॉकलेट सिरप, इट्स लुक डिलीशियस इजंट इट। उसके ऊपर से बच्चों से लेकर जवानों की पसंद क्रश्ड ओरियो, यम यम। अब बारी आती है वेनिला पैनकेक, इस पे भी सैलाब आया चॉको सिरप का, जस्ट लुक एट दैट, सो ब्यूटीफुल। और अब सरप्राइज एंट्री होती है वाइट चॉकलेट की। आप लोगों का तो पता नहीं, बट मुझसे तो अब रुका नहीं जा रहा, ओह गॉड। और ये आया सोने पे सुहागा बन के डार्क चॉकलेट, खुशबू से तो मुझसे सच में रुका नहीं जा रहा, इट्स डिलीशियस। अरे जा कर रहे हैं, अभी रुको रुको, ये एंट्री होती है द शो स्टॉपर, रंग बिरंगे जेम्स। इस पे भी टूटा सैलाब चॉकलेट सिरप का, यम्मी यम। और फिर इस पे भी डाला क्रश चॉकलेट टू मेक इट मोर क्रंची। दोस्तों आपका तो पता नहीं, अब मुझसे रुका नहीं जा रहा है, तो चलो करते हैं टेस्ट। से खाने में खो गए, जैसे कहते हैं खाने को देख के खो गए, मुंह में पानी आ रहा है। बहुत देर से वेट कर रहा हूँ मैं और आप भी, आप वर्चुअली हम फाइनली इस पे वेट कर रहे हैं। तो ये अपने पास, जैसे ऑलरेडी बता दिया गया है, ये है अपने पास चॉकलेट ओवरलोडेड ब्राउनी मैटनेस और चॉकलेट ओवरलोडेड। इसकी डिजलिंग वगैरह की बात तो हम बार बार कर चुके हैं, पर फाइनली अब इसको टेस्ट करेंगे। ये वेफल्स हैं अपने साथ पास इसके अलावा, और सबसे पहले हम आते हैं इस पे। दोस्तों अगर आप इधर चॉकलेट के दीवाने ना, कहते हैं खाते खाते बात नहीं करनी चाहिए, पर मुझे खाते खाते बात करना अच्छा लगता है, क्योंकि ये बात ही करने वाली है। इतना मज़ा आ रहा है खाने में, इतनी ज़बरदस्त इसकी गार्निशिंग और हर एक चीज़ इतनी ज़बरदस्त तैयार की है ना। सबसे बेहतरीन बात इसकी है कि इसको सबको फ्रेश मेक किया गया। अब जितना भी सामान देख रहे हो ना, ये जितनी भी चीज़ें देख रहे हो आप, इसको फ्रेश मेक किया गया। बहुत, अगर आप चॉकलेट के लवर हो तो ये आपके लिए बना है। वैसे तो इसकी जो पर कोस्ट है, इनकी 180 12 पीसीज है,
पर इन्होंने अब ज़बरदस्त कॉम्बो निकाला है, 220 में आपको ये 12 पीस मिलेंगे 220 में। और अब बारी है इसकी, ये वनीला वाले की जैम्स के साथ, आप देख सकते हो अच्छे से इसको कवर किया हुआ। जो खाने को पसंद करते हैं, जो डेजर्ट को पसंद करते हैं, जिनको मीठा पसंद है ना, पंजाबी तो भाई उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतना ज़बरदस्त स्वाद है, इतना ज़बरदस्त टेस्ट है, बहुत बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक टेस्ट है। आई लव डेजर्ट का जो नाम है वो ऐसे ही नहीं है, क्योंकि इनका खाना नंबर वन है, इनका डेजर्ट बेस्ट है। अब ये सारा ख़त्म करेंगे, अब हम आते हैं सेकेंड पे, अपनी वेफल। इस पर बटर स्कॉच की आप देख सकते हो गार्निशिंग हो रखी है, और ये सारा चॉकलेट के साथ कवर है, ये भी मिल्क चॉकलेट के साथ। वेफल का दीवाना मैं तब से हूँ जब से मेरे को पहली बार पता लगा था कि वेफल जैसी चीज़ भी हमारे यहाँ मिलती है, मुझे तब से ही ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और जो इन्होंने छोटे छोटे ये क्रम्स डाले ना, आप देख सकते हो बटर स्कॉच के, इससे जो फ्लेवर आ रहा है ना, मज़ा आ गया, बहुत 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 ज़्यादा ज़बरदस्त टेस्ट है। और साथ में ना गर्मियों के लिए स्पेशल अपने चिलिंग ये है, आइस टी भी है साथ में। अब हम इसको टेस्ट करते हैं, मज़ा आ गया, हम दिल कर रहे हैं सब कुछ कंप्लीट करूं, खाऊं और यहाँ पे सो जाऊं, क्योंकि एकदम मुंह मीठा मीठा हो गया, इतना ज़्यादा टेस्टी है सब कुछ। और मैं अब फटाफट ये सब कुछ खा लूँ, उसके बाद आपको मिलता हूँ सीधा नमकीन पे। सो गाइस, आज काफ़ी सीधा कसीधा करते, कुछ उल्टा करने का प्लान है। आमतौर पे लोग कुछ नमकीन खाते फिर मीठा खाते, हमने मीठा पहले खा चुके हैं, अब नमकीन खाऊंगा। सो ये है पनीर तंदूरी सब। वैसे मैं बंगाल से हूँ, आई एम अ नॉन वेजिटेरियन एज वेल एज वेजिटेरियन टू, बट अभी पंजाब के बीच में, पंजाबियों के बीच में मैं एक वेजिटेरियन ट्राई कर रहा हूँ, एंड इट इज़ जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए बहुत अच्छी ट्रीट है, एंड इट इज़ ओनली 150 रुपीज़ कॉस्ट, एंड लेट मी टेस्ट इट एंड टेल मी द वर्थ विच इज़ मोर देन 150 रुपीज़ आई बिलीव, क्योंकि दिखने में जितना ही डिलीशियस लग रहा है, खाने में भी उससे भी ज़्यादा डिलीशियस होगा, और मैं गारंटी देता हूँ ये होगा ही होगा। वैसे मुझे खाने का तो बहुत मन कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको इसकी स्टफिंग दिखानी पड़ेगी। तो ये हमने ब्रेड को ऊपर किया, और इसमें वेजिटेबल्स हैं, इसमें बेल पेपर है, ग्रीन बेल पेपर, इसमें कुकुम्बर, और इसमें पनीर की स्टफिंग है, साथ में मेयोनेज, टमाटोज, और ये स्मेल इतना बढ़िया कर रहा है, मैं आपको काश बता पाता। सो गाइस, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस, मुझसे तो रहा नहीं जा रहा। सो ये है ब्रेड, फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेक अ बाइट। गाइस, इट्स टू डिलीशियस, मतलब स्टफिंग इतनी बढ़िया है, एक बाइट में सारी टेस्ट आम तौर पे मिक्स हो जाता है, बट एक एक चीज़ का फ्लेवर आ रहा है। मींस आपको लग नहीं रहा होगा कि टमाटो उसके साथ उसमें ओवर पावर हो चुका है, पूरी बैलेंसिंग कर रखी है, पनीर का भी टेस्ट आ रहा है, बेल पेपर का भी आ रहा है, और ऑनियन का भी आ रहा है, मतलब इट्स वर्थ इट। गाइस, एक एक चीज़ का टेस्ट आ रहा है, एंड जो मसाले ऊपर सीजनिंग कर रखी है ब्रेड के ऊपर, इसका भी एक अलग फ्लेवर है। तो यहाँ पर हो रहा है अभी सबका काम तमाम, बहुत बढ़िया सब है जैसा भाई ने बताया। तो मैं तो मस्ट रिकमेंड करूँगा कि आप इधर आई लव डेजर्ट में आओ, व्लॉग बनाता बनाता मैं पता नहीं क्यों इतना फॉर्मल हो जाता हूँ, ऐसे मैं इतना फॉर्मल रहता नहीं हूँ, पर थोड़ा बहुत हमें प्रोफेशनलिज्म भी दिखाना पड़ता है। और खाना तो भाई कैसा है, बहुत बढ़िया लगा, खाओगे? वैसे मीठे के लिए बहुत फेमस है ये आई लव डेजर्ट, क्योंकि डेजर्ट का यहाँ पर बात हो रही है, पैनकेक्स, वेफल्स, आइसक्रीम सब कुछ आप खा सकते हो। पर जो इससे खास बात ये लगी कि इधर जो और नमकीन चीज़ें हैं, जैसे कि हमने अभी सब ट्राई किया, तो वो भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। क्यों भाई? और ऐसा नहीं कि
यहाँ पे बस अगर मीठा है तो वही बहुत टेस्टी है। मैंने जब नमकीन में ट्राई किया सब फैट इस सब सैंडविच को, इट्स ग्रेट। मीन्स मैंने बहुत जगह खाया है, ठीक है, मैं सैंडविचेस बहुत खाता हूँ, बर्गर बहुत पसंद करता हूँ, बट हर जगह कभी ना कभी फ्लेवर मिक्स हो जाता है। कोई ऐसा नहीं लगता कि डिस्टिंक्टिव फ्लेवर, मीन्स आपको हर चीज़ का टेस्ट आया ना, एक प्रॉपर बैलेंसिंग होती है, बहुत रेयर मिलती है। बर्गर्स पिज्ज़ा आपको हर जगह मिल जाएंगे, आउटलेट्स भरे पड़े हैं, लेकिन रेयर जगह होती है जहाँ पर हर चीज़ का टेस्ट मिलता है। मीन्स ऐसी उस देखिए खाना बनाना हर कोई कर सकता है, लेकिन कहते हैं ना कि एक जगह का फेमस खाना होता है, बिल्कुल बिल्कुल, तो वही चीज़ है यहाँ पे। क्योंकि वेजिटेबल भी जिस तरह से उन्होंने डाला, ज़्यादा ना वेज डाली है कि सारा वेज लगे, इतना ज़्यादा मेयो इतना ज़्यादा डाल दिया इन्होंने कि कुछ ज़्यादा मेयो लगे, प्रॉपर बैलेंसिंग। पनीर भी एकदम बढ़िया, एंड जैसा कि आउटलेट का आउटलेट के हिसाब से 150 rupees। और मैं बता रहा हूँ जिस हिसाब से लोकेशन है ये बैठने की, उस हिसाब से जो इसके प्राइजेस है ना, बहुत बहुत ज़्यादा चीप है। मॉडल टाउन जो है वो जलंधर की सबसे ज़्यादा फेमस प्लेस है और सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है, पर इस जगह को देख के मुझे को बिल्कुल भी लगा कि भाई एक्सपेंसिव है। अपनी क्वालिटी के हिसाब से और अपनी यही रेट तो आपको नॉर्मल आउटलेट्स में मिलेंगे, यहाँ पे आपको इतनी अच्छी सीटिंग मिल रही है, उसके साथ इतने ज़्यादा चीप रेट्स मिल रहे हैं, तो यहाँ पे आना वर्थ है, यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए। आप पैसे वेस्ट नहीं जाएंगे बिल्कुल, कोशिश बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने कहा है कि अपनी ज़बान दे रहा हूँ, क्योंकि टेस्ट मैंने हर जगह बर्गर एंड सैंडविच ट्राई किया है, यहाँ पे पंजाब में तो हर जगह मिलता है। आई एम फ्रॉम बंगाल, बट जब भी जलंधर आता हूँ तो मैं ट्राई ज़रूर करता हूँ यहाँ के फूड को, बट कई कई जगह का टेस्ट लग जाता है मुँह पे, ज़बान पे। जैसे हर आउटलेट का एक अलग फ्लेवर होता है, इसका भी एक अलग फ्लेवर है, एंड एक प्रॉपर बैलेंस है। सबवे का तो प्रॉपर बैलेंस है, एंड जो डेजर्ट हमने ट्राई किया उसका टेस्ट अभी तक मुँह में गया है। सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से। एंड तो दोस्तों ये था आई लव डेजर्ट जलंधर के हर्ट मॉडल टाउन में। यहाँ का खाना जितना ज़्यादा अमेजिंग है उतना ज़्यादा अच्छा स्टाफ है, जैसे मैं आपको पहले बता चुके हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आप पिटी वगैरह पे पार्टी के लिए, छोटी मोटी आपको पार्टी करनी हो आप उसके लिए आ सकते हो दोस्तों के साथ। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डू मस्ट विजिट टू आई लव डेजर्ट। मिलते हैं आपको किसी अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।